शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश की स्थापना पर आप सब लोगों को स्थापना दिवस पर आज बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश ने जिस ऊंचाइयों को हासिल किया है उसमें एक महत्वपूर्ण गति का पहिया मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में स्थायी निकाय में नगर पालिका भी रही है। हमने पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में जो स्थान दिलाया है वो आप सब लोगों के प्रयासों के माध्यम से, आप लोगों के मेहनत के माध्यम से संभव हो पाया है। मैं आज इस अवसर पर हरियाणा को, पंजाब को, छत्तीसगढ़ को, वहां के वासियों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि उन प्रांतों का भी स्थापना दिवस आज ही है। लेकिन इन सब के साथ सोचने का महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक समय हुआ करता था जब खाद्यान्न के मामले में, कृषि के क्षेत्र में हरियाणा हमसे मीलों आगे हुआ करता था, पंजाब हमसे बहुत आगे हुआ करता था, चाहे गेहूं का उत्पादन हो या अन्य खाद्यान्न हो, मध्य प्रदेश इन प्रांतों की तुलना में बहुत पीछे हुआ करता था। लेकिन आज मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक बार ही नहीं अपितु लगातार 5 बार 6 बार अगर कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर और सौभाग्य किसी को मिला है तो वो मध्य प्रदेश को मिला है और मध्य प्रदेश आज हिंदुस्तान में कृषि के मामले में सबसे अग्रणी प्रदेश बना है। और अगर जब हम चर्चा करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है तो उसके पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कारण भी है। मैं आज विस्तार से नहीं जाऊंगा, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी शुभकामनाएं आपको दी है, लेकिन एक दो बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ होती है तो उस समय किसानों को बिजली की उपलब्धता का अवसर केवल इतना था कि रात रात भर जागकर वो अपने कुएं पर इंतजार किया करते थे कि बिजली कब आने वाली है, बिजली कब आती और कब चली जाती, ये लोगों को पता ही नहीं चलता था। और पता इसलिए भी नहीं चलता था कि पिता अगर कुएं के पास से पाइप के दूसरे छोर पर बैठे हुए उसके बेटे से मोटर चालू करने के बाद पूछता था कि पानी पहुंच गया, तो पाइप के उस छोर पर पानी पहुंचने के पहले ही लाइट चली जाया करती थी और अगर विद्युत होती भी थी तो तार को छूले तो भी करंट नहीं लगता था, किसानों की मोटरें जला करती थी। इस पूरे प्रांत में मात्र 3,500 मेगावाट बिजली पैदा करने का काम मध्य प्रदेश की उस समय की तात्कालिक सरकार करती थी। लेकिन आज इस मध्य प्रदेश में 20-22 हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने का काम अगर किसी ने किया तो वर्तमान सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। मध्य प्रदेश में कई विद्युत प्लांट स्थापित किए गए, पावर प्लांट स्थापित किए गए, कई परियोजनाएं स्थापित की गई, किसानों को समय पर बिजली मिलने लगी, उसके खेत में पानी जाने लगा। और केवल उसके खेत में पानी ही नहीं पहुंचा, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और भी बताना चाहूंगा कि उस समय की तात्कालिक सरकार में सरकारी संसाधनों से हिंदुस्तान में केवल 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में अब 35 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों पर शासकीय संसाधनों से सिंचाई होती है। और माननीय शिवराज सिंह जी का लक्ष्य है कि 2023 में जब चुनाव होगा 24 तक तो हम मध्य प्रदेश को 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य होगा, हर क्षेत्र में होगा, चाहे वो कृषि होगी। इतने बड़े संसाधन और सिंचाई के क्षेत्र बढ़ने के बाद, किसानों की कृषि का क्षेत्र रकबा बढ़ने के बाद, किसानों को पर्याप्त बिजली मिलना, विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पूरी पर्याप्त बिजली मिलना, मध्य प्रदेश केवल
विद्युत पैदा करने वाला ही राज्य नहीं बना, अपनी आपूर्ति ही करने वाला राज्य नहीं बना, अभी तो पूरे देश में विद्युत को बेचने वाला और विद्युत देने वाला राज्य बना। किसानों की प्रगति का, मध्य प्रदेश की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही रहा है। हमने पंजाब को पीछे छोड़ा, हरियाणा को पीछे छोड़ा। मित्रों, परसों नरसों आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 69 सीएम राइज स्कूलों का एक साथ भूमि पूजन करके मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सौगात देने का काम किया। और ये जो सीएम राइज स्कूल होंगे, इसके प्रति उनकी जो कल्पना है, आने वाले दिनों में हर गरीब किसान का बेटा, हर गरीब मजदूर का बेटा भी उन सीएम राइज स्कूल में अध्ययन करने के लिए जाएगा और उन स्कूलों की व्यवस्था आज के सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर होने वाली है। ये माननीय शिवराज सिंह जी का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज, अगर हम शिक्षा की सेवाओं पर बात कर रहे थे तो जब स्वास्थ्य की सेवाओं पर आते हैं तो एक समय था कि आज से 15 साल 20 साल पहले मध्य प्रदेश में केवल 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज होते थे, गिनती के 1-2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते थे, लेकिन आज मध्य प्रदेश को प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज उपलब्ध होने वाला है। नागदा से 50 किलोमीटर दूर के अंदर में रतलाम में मेडिकल कॉलेज, उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति, नीमच में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति। और केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही प्रगति नहीं हुई, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य शिक्षा के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नए आयाम स्थापित करने का काम किया। और ये केवल आयाम ही स्थापित नहीं हुए, लेकिन गरीब किसान का बच्चा भी वहां पर पढ़ सके। जो शासकीय स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले साधारण विद्यार्थी हैं, वो भी उन कॉलेजों में अध्ययन कर सके। इसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हिंदी में भी चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन, हिंदी में इंजीनियरिंग विज्ञान का अध्ययन, हिंदी में वकालत का अध्ययन, हिंदी में अन्य उच्च शिक्षाओं का अध्ययन, ये सारी शुरुआत मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई है, जो हिंदुस्तान के लिए एक नई प्रेरणा। और उससे आगे बढ़कर माननीय मोदी जी ने शिवराज जी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि अब मध्य प्रदेश में केवल हिंदी में नहीं, अभी तो हिंदुस्तान के सारे हिंदी भाषी प्रदेशों में इस पद्धति को लागू किया जाएगा। और जो अलग अलग भाषाई प्रांत है, चाहे फिर वो मराठी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो तेलुगु हो, उन प्रांतों में भी उनकी भाषाओं में ये सारी उच्च शिक्षा को प्रारंभ करने का काम हिंदुस्तान की सरकार करेगी। मित्रों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी ने एक अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए, एक जनजाति के बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए, सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए और उच्च श्रेणी का अध्ययन देते हुए उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए उसकी शिक्षा के हर साधन संसाधन, छात्रवृत्ति, रहने की व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, उसकी फीस की व्यवस्था, इन सारी बातों को करने का काम किया है, जो पहले मध्य प्रदेश में नहीं हुआ करते थे। अभी आप लोगों ने देखा होगा खाद्यान्न का, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में उनके घर तक कंट्रोल की दुकान पर उनको अनाज लेने जाना नहीं पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है जो मध्य प्रदेश को बदलने का काम किया है। जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य खड़ा किया है, और आज हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश विकास दर में सर्वाग्रणी बना हुआ है। मैं आज इस अवसर पर आप सारे लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि जब स्वच्छता की बात चलती है तो पूरे देश में इंदौर सबसे नंबर 1 देश श्रेणी में आकर खड़ा होता है। अगर धार्मिक नगरियों में सबसे स्वच्छ कोई शहर होता है तो धार्मिक नगरियों में उज्जैन हिंदुस्तान में सबसे स्वच्छ नगर होता है। अगर हिंदुस्तान की राजधानियों में सबसे ज्यादा स्वच्छ नगर की बात की जाती है तो भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वो हिंदुस्तान की सभी राजधानियों में सबसे अधिक स्वच्छ की श्रेणी में अपना स्थान प्राप्त करती है। ये श्रेणियां केवल इन चार शहरों को नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों को प्राप्त होती है, कई नगर पालिकाओं को प्राप्त होती है। अलग अलग श्रेणी में किए गए आकलन में
मध्य प्रदेश ने वो सारा स्थान प्राप्त किया है, चाहे कचरे से चाहे ऊर्जा प्राप्त करने वाली बात हो, ईंधन बनाने वाली बात हो, हर क्षेत्र में हमने दूसरे प्रांतों को मात देने का काम किया है। और इन सारे कामों में मध्य प्रदेश की आम जनता का, मध्य प्रदेश के नगर पालिका के कर्मचारियों का, अन्य प्रशासनिक मशीनरी के कर्मचारियों का, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सारे लोग आज स्थापना दिवस पर इस बात का संकल्प लें कि जिस गति से, जिस मन प्राण से हमने आज तक अपने कामों को अंजाम दिया है, आने वाले टाइम पर हम मध्य प्रदेश सरकार की उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपनी पूरी सार्थक भूमिका का निर्माण करेंगे। हम अपने नगर को, नगर पालिका में 1 लाख तक की आबादी को वाले शहरों में हम नागदा को भी प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास करेंगे। सरकार के विभिन्न हितग्राही योजनाओं को जन जन तक घर घर पर जाकर उनको पहुंचाने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश के साथ में मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं में नागदा को भी सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। ईश्वर आप सब लोगों को ऐसा संबल प्रदान करे, ऐसी ताकत प्रदान करे। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हुए मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आप सब लोगों को शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राजनाथ।